वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड दिस साइड सीए वर्दीप सिंह। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात करी इकोनॉमिक पैकेज की, 20 लाख करोड़ इंडियन इकोनॉमी में लाए जाएंगे। तो उन्होंने काफी चीजें सस्पेंस में छोड़ दी, तो इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करी गई है कि एक्चुअल में ये 20 लाख करोड़ मार्केट में इकोनॉमी में आएंगे कैसे, कैसे एक आम आदमी को बेनिफिट मिलेंगे, कैसे एक आम आदमी फिर से अपना बिजनेस कर पाएगा, कैसे एक आम आदमी अपना बेरोजगार वापस ला पाएगा और कैसे एक आम आदमी वापस इकोनॉमी में सर्वाइव कर पाएगा और अपनी बेसिक नेसेसिटीज की जरूरत से दूर हो जाएगा। तो बात करते हैं, लास्ट वीक गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ एक पॉलिसी डिसाइड करी और आरबीआई का इसमें अप्रूवल भी था कि हमारी इन बोरोइंग को 12 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया जाएगा। तो इसमें जो बात हुई थी वो बोरोइंग्स को 12 लाख करोड़ तक बढ़ाने की हुई थी, 12 लाख करोड़ की बोरोइंग लेने की नहीं हुई थी। इसका मतलब इंडिया की ऑलरेडी बोरोइंग जो कर्जा है, फिस्कल डेफिसिट है, वो है 7.8 लाख करोड़ रुपीस। इसका मतलब 4.2 लाख करोड़ रुपीस इंडियन गवर्नमेंट वॉज प्लानिंग टू बोरो मोर। 4.2 लाख करोड़ मार्केट में बोरो करने की देर वॉज अ नीड। और इसका एक लॉजिक भी बहुत क्लियर था, अप्रोक्सीमेटली 24.5 लाख करोड़ के टैक्सेस रिसीव होते हैं इंडियन गवर्नमेंट को पूरे साल में, सारे टैक्सेस अगर मिला दिए जाए तो। और इस रिसेशन की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से इट वॉज एक्सपेक्टेड कि कम से कम 20-25% का हिट आएगा टैक्सेस में। तो 20-25% वॉज अराउंड 5 लाख करोड़। तो उसको कंपनसेट करने लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड करा था 4.2 लाख करोड़ की हम बोरोइंग कर लेंगे ताकि गवर्नमेंट की बेसिक डे टू डे एक्टिविटीज, उनकी सब्सिडीज, उनके इंसेंटिव, उनके पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज है, जितने भी वो लोगों को पैसे देते हैं, वो उनको ना रुके। तो उसके लिए इन्होंने डिसाइड करा था कि अपनी बोरोइंग्स को 12 लाख करोड़ तक कर देंगे, मतलब अपनी बोरोइंग्स को बढ़ाएंगे 4.2 लाख करोड़ से। बट कल नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि 20 लाख करोड़ लाएंगे। तो वो 20 लाख करोड़ में कहना क्या चाहते हैं कि वो 20 लाख करोड़ कैसे मार्केट में आएगा? तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने इसको एनालाइज करने की कोशिश करी है इन टर्म्स ऑफ फिगर्स। तो जैसे मैंने आपको समझाया, 20 लाख करोड़ में से 4.2 लाख करोड़ तो गवर्नमेंट बोरो करेगी और वो जो बोरो करेगी अमाउंट उसको मार्केट में पुट इन करेगी, लोगों को देगी। वो कौन लोग होंगे? मोस्ट प्रोबेबली फार्मर्स, मोस्ट प्रोबेबली दी सेक्टर्स विच आर मोस्ट हिट बाय दी कोविड-19। फॉर एग्जाम्पल, होटल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हिट करी है, आपकी एयरलाइंस इंडस्ट्री हिट करी है, आपकी और भी काफी इंडस्ट्रीज है जो हिट करी है, तो उनमें पैसा बांटा जाएगा। तो बाकी 15.8 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेटली 16 लाख करोड़ का कहां से पैसा आएगा और क्या होगा क्या नहीं होगा? तो मेरा ये मानना है इसमें कि 16 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट बोरो नहीं करने वाली, ना उनको इतना उनके पास पैसा है, और जितना ये बोरोइंग बढ़ाएंगे उतनी इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। तो अपनी फिस्कल डेफिसिट को ऑलमोस्ट 3 गुना कर देना, आई डोंट थिंक दी गवर्नमेंट विल टेक दिस स्टेप। तो गवर्नमेंट मोनेटाइज भी नहीं करेगी मेरे हिसाब से पैसे को। तो गवर्नमेंट इसको एक नोशनल गारंटी के हिसाब से लेगी। नोशनल गारंटी का मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी चलाई थी पहले, इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी ये स्कीम, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा, इन्होंने बोला था सिंपल स्कीम है बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज थी। तो वो स्कीम क्या थी? वो स्कीम थी कि लोन आप लो, लोन आपको मिलेगा, गारंटी गवर्नमेंट देगी, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्म फाइल करना है, आपको डिटेल्स देनी है और आपके बैंक में पैसा आ जाएगा बिजनेस करने के लिए। बैंक्स आपको पैसा दे देंगे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, एज पर योर क्रेडिट वर्दीनेस, एज पर योर रिटर्न स्टेटस। तो वो आपको एक लोन दिया जाएगा ताकि आप बिजनेस वापस रिवाइव कर पाए। तो हुआ क्या कि मार्केट में पैसा आ जाएगा, बोरो आप करेंगे,
पैसा बैंक देगा मगर उसकी गारंटी गवर्नमेंट देगी, तो इस फॉर्म में 15-16 लाख करोड़ को लाया जाएगा मेरे हिसाब से। और मोदी जी ने ये भी बात करी कि आई बेनिफिट टैक्स पेयर्स को बेनिफिट होगा, और उससे साफ साफ मतलब यही था कि वो वही स्कीम की बात कर रहे थे जो MSMEs के लिए लाई गई थी, वो वापस उसको रिवाइव करेंगे ताकि उसको सिंपल फॉर्म में लाया जाए, लोगों को लोन मिला जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर GST रिटर्न्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न आपको लोन मिलेगा। तो कोई बंदा कहेगा मैं बहुत छोटा व्यापारी हूँ, मेरी 20 लाख या 40 लाख तो टर्नओवर ही नहीं है, तो मैं GST नंबर क्यों लूँ, तो मुझे क्या लोन नहीं मिलेगा? नहीं, गवर्नमेंट लाएगी, ऐसी स्कीम्स लाएगी कि उन उस केस में उसको कम लोन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ उसकी इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से। तो सारा कंक्लूजन यही निकल के आएगा कि फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, MSMEs को ही बेनिफिट मिलेगा। और इससे एक चीज देखने वाली ये है कि बार बार नरेंद्र मोदी जी, बार बार BJP गवर्नमेंट MSME को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और उसका बहुत सिंपल रीजन भी है कि इंडिया में छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में कंट्री गवर्नमेंट और टैक्सेस इन सब का ध्यान रखती है, तो वो है MSME। छोटे बिजनेस ही इकोनॉमी चलाते हैं। इवन इन अमेरिका अप्रोक्सीमेटली 70% जो एम्प्लॉयमेंट है वो MSMEs के द्वारा ही है। पूरे वर्ल्ड में आप यूरोप देख लीजिए या कोई भी सक्सेसफुल देश देख लीजिए, उसके MSME सक्सेसफुल है तभी वो देश सक्सेसफुल है। तो इसका बहुत सिंपल लॉजिक है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी अगर MSME धंधा करेगा तो, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो हर एक के पास पैसा आएगा, इकोनॉमी रन होगी और वापस मार्केट में पुट इन होगा पैसा। तो आई रियली होप कि या तो कुछ ऐसा प्लान हो गवर्नमेंट का, या फिर कुछ इससे भी बेटर हो, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा ना हो कि जैसे हमेशा की तरह वादे करे गए थे, जैसे इन्होंने वादा करा था कि 10 महीने पहले 25,000 करोड़ का फंड लाएंगे, रियल एस्टेट स्ट्रेस फंड कहा जाएगा उसको, रियल एस्टेट के जो क्राइसिस हो रहे हैं उससे बचने के लिए, तो आज तक उसकी जिक्र नहीं करा गया, आज तक उसके बारे में बात ही नहीं करी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत बोला था कि 102 लाख करोड़ लगाए जाएंगे, 4-5 साल में इतना पैसा लगाया जाएगा, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, टूरिज्म अट्रैक्ट होगा, तो आज तक कभी भी उसके बारे में बात नहीं करी। सबके अकाउंट में पैसे दे दिए जाएंगे अगर BJP वापस आती है तो, बट कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। बट आई रियली होप कि इस बार ये लोग सामने आए और जो बोल रहे हैं ये लोग करें। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि क्या पॉलिसीज आती है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी क्या लेके आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या पॉलिसी लेके आती है, क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेके आते हैं, क्योंकि एक बार इंडिया का पूरा वर्ल्ड फिर से रिसेशन में है, तो कैसे हम इस रिसेशन से बाहर निकलेंगे, क्या पॉलिसीज आएगी, एंड इस 20 लाख करोड़ के ऊपर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या बोलेगी। तो आई एम रियली एंशियस टूवर्ड्स इट, एंड कुछ भी आएगा आई विल अपडेट यू कि ये लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी तो इट्स ऑल माय एनालिसिस ओनली कि ये हो सकता है फिगर्स को एनालाइज करके और इकोनॉमी को एनालाइज करके। लास्ट में बस इतना बोलना चाहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट इतना स्ट्रेस कर रही है MSMEs के ऊपर, तो आप भी अपनी कंपनी को MSME में रजिस्टर करा लो, MSME स्कीम में रजिस्टर करा लो, ताकि आप गवर्नमेंट की नज़र में, आप बेशक MSME हो गए बट गवर्नमेंट की नज़र में भी आप MSME आ जाओ, ताकि कल को कोई बेनिफिट्स होने हो तो आपको वो बेनिफिट्स ज़रूर मिल पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। लेट एवरीवन नोस कि क्या पॉसिबल चीजें हो सकती है नियर फ्यूचर हमारी इकोनॉमी में। सो जैसे ही कोई अपडेट आता है इकोनॉमी के ऊपर या फाइनेंस के ऊपर कि कैसे क्या होगा एंड क्या बेनिफिट्स आएंगे, आई विल बी बैक विद इट। टिल देन टेक केयर।